नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे एक अच्छे टॉपिक पे जो आपको जानना बहुत जरूरी है भाई। सबसे पहले जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके रिकॉर्डिंग में बात करूंगा, और यहाँ पे इतने जितने भी मेरे पास इंक्वायरी आती है व्हाट्सएप पे, मुझे ये बता दो, मुझे वो बता दो, मुझे फलाना ऑफिस ने ये ऑफर लेटर दिया, ये वीजा दिया, मेरे वो इतना पैसा ले लिया वगैरह वगैरह, उनसे उनके लिए भी भाई न्यूज इंपॉर्टेंट है। बता दूं, 5 साल में, जी हाँ साथियों, अगर चंडीगढ़ पंजाब की बात करें, एक आंकड़ा निकल के जो आया है सर्वे के हिसाब से, सर्वे क्या है, ये तो रिपोर्ट है, ओरिजिनल रिपोर्ट की मैं बात करूंगा। 5 साल में बता दूं, 210 ट्रेवलों पे ट्रेवल एजेंसी हैं, एजेंट हैं, उनके ऊपर लगभग 325 से ऊपर FIR हुई है, जी हाँ पर्चे दर्ज हुए हैं, और जिनमें मैं बता दूं साथियों, 90% मामलों में 2 माह में समझौता हो जाता है। जी हाँ, एक भी पेरेंट को सजा नहीं हुई। जी, डिटेल से बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें, ताकि हर रोज आपको गल्फ कंट्रीज से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। जी हाँ, मैं बार बार एक मेरा दूसरा चैनल जॉब एडवाइज अशोक LLB है, उस चैनल पे मैं इसी से रिकॉर्डिंग वीडियो बनाता हूँ, यूरोप कंट्री से, और सबसे ज्यादा ठगी भाई यूरोप कंट्री के कंट्री देशों में होती है। हालांकि गल्फ कंट्रीज के नाम से भी आजकल होने लग गई, क्योंकि एजेंटों को तो पैसा चाहिए, वो चाहे कोई भी कंट्री का हो, क्या फर्क पड़ता है। कुवैत के नाम से रोज कुवैत के वीजा आ रहे हैं मेरे व्हाट्सएप पे, सऊदी के वीजा आ रहे हैं, जबकि आपको सबको पता ही है स्थिति क्या चल रही है इस देश में, लेकिन फिर भी नहीं वीजा आ रहे हैं। तो ये जानना आपको जरूरी है। एक आंकड़े के अनुसार मैं बता दूं, 5 साल में 325 FIR 200 एजेंटों पे हुई है, उसके बावजूद भी क्या है, कुछ नहीं। मैं हर बार वीडियो बताता हूँ भाई, कुछ नहीं होना। FIR एक आपको लगता होगा पुलिस केस कर देंगे, कुछ नहीं होने वाला, जो काम करते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। नब्बे, यहाँ पे एक सर्वे में साहब ने आया है कि जिनके ऊपर FIR हो चुकी है वो जेल से वापस छूट जाते हैं, काफी 90% में तो उनकी गिरफ्तारी नहीं होती, कुछ में गिरफ्तारी होती है, वापस निकलते ही दूसरी जगह ऑफिस कर लेते हैं, फिर वही सिस्टम स्टार्ट कर देते हैं। इसमें मैं बता दूं, एक सर्वे के आधार पे एक जो आंकड़ा निकला है, एक टारगेट देखा गया है कि 90% मामलों में कुछ नहीं हो पाता। हाँ, गिरफ्तारी नहीं करती पुलिस, सच्चाई है कि गिरफ्तारी पुलिस नहीं करती है, हाई प्रोफाइल केस हो जाते हैं, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 70 लाख, करोड़ों रुपए में की ठगी जाती है, और कोई बड़ा दबाव पड़ जाता है तो पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेती है, और वो भी महीने 2 महीने में छोड़ जाते हैं। बाकी जो 20-30-50 हजार वाली है, जिनको तो पुलिस ध्यान ही नहीं देती उन केसों पे, तो उनको गिरफ्तार नहीं करती। जी हाँ, पुलिस गिरफ्तार नहीं करती। दूसरी बात, एक भी वो ये भी बताया कि जो केस करने वाले हैं, परिवादी हैं, जो पीड़ित हैं, वो अपने घुटने टेक देते हैं। साल 2 साल कितना फिरेगा, एक मजदूर आदमी किसी पे केस करता है तो पैसा लगता है भाई, समझ गए बात को, ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मुर्गी से महंगा मसाला पड़ जाता है, ये सच्चाई है, इसीलिए लोग इन चीजों से बचना चाहते हैं, जैसे भी है साम दाम दंड पे थोड़ा बहुत ले लुवा के वो पीछा छुड़वा देते हैं। एक विभागीय आंकड़ों के अनुसार बता दूं, 90 जो 100% अपराधी जैसे वापस छूट जाते हैं, उनमें से 90% लोग अलग ऑफिस कर लेते हैं, फिर उनका वही है सिस्टम, दोबारा से पैसा लोगों से लेना स्टार्ट कर देते हैं, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जी हाँ, बता दूं 60% एजेंट तो ऐसे हैं जिनके खिलाफ शिकायतें थाना लेवल से लेके SP ऑफिस तक पहुंची है। जी हाँ, लेकिन कुछ नहीं होने वाला, ये पंजाब की स्थिति है भाई। जेल से बाहर आते ही वापस खेल शुरू कर देते हैं, पुलिस नहीं रखती है ध्यान, ये भाई हाई प्रोफाइल केस होती है उन्हीं में गिरफ्तारी होती है, बाकी में तो पुलिस ध्यान ही नहीं देती। पिछले दिनों में 200 लोगों के खिलाफ FIR होती, 200 एजेंटों के खिलाफ पूरे पंजाब के अंदर, जिनमें से बता दूं 55% तो वो लोग थे जिनके ऊपर पहले से मुकदमे चल रहे हैं, फिर भी उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, वो आराम से काम अपना कर रहे हैं। ये लोग बच कैसे जाते हैं बता दूं, इसमें दोनों की कमी होती है, पुलिस की भी कमी होती है और जो पीड़ित होती है उनकी भी कमी होती है। पुलिस कहीं ना कहीं FIR आना इस तरह से सही तरीके से नहीं बना पाती, अगर केस कोर्ट में भी चला जाता है तो पुलिस का जो FIR होना, देखिए FIR करने से कुछ नहीं होता है, मामला कोर्ट में चला गया तो उसमें सब कुछ देखना होता है, FIR उसमें लेन देन का तरीका, उसमें आने जाने की जो सिस्टम, जो किस तरह से पैसे वगैरह पूरा सिस्टम होता है, फिर गवाही होती है, गवाही एक बार हो सकता है कोर्ट, वो थाने में पहुंच गए, फिर कोर्ट को कौन जो गवाह दिया पता चला 1 साल 2 साल बाद 3 साल बाद गवाह को बुलाएगा, वो पता चले बाहर पता नहीं कहां घूम रहा है, तो वो इस सिस्टम की वजह से वो लोग आराम से जुड़ जाते हैं, केस कोर्ट में जाते ही दम तोड़ देता है, ये स्थिति है इंडियन एजेंटों के साथ। कमजोर तथ्य होते हैं, कोई सबूत नहीं होता, ठीक है FIR पुलिस कर लेती है लेकिन एविडेंस नहीं होते, सबूत नहीं मिलते, जो सिस्टम है पूरा तरीके से, क्योंकि वहां तो कोर्ट में तो वकील एक दूसरे के होते हैं ना, तो वो तो फिर एविडेंस बाल की खाल निकालते हैं, कहीं ना कहीं कमी मिल जाती है, एजेंट आराम से छूट जाते हैं, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस ये आप लोगों में बात शेयर करनी थी भाई, एजेंटों को अगर आप पैसा देते हैं तो थोड़ा सावधान रह के सोच समझ के दें,
आपको ये दिमाग से निकाल दो कि हम पैसे निकलवा लेंगे, कुछ नहीं निकाल सकते भाई। पंजाब जैसा एजेंटों के मामले में सबसे, इंडिया में सबसे ज्यादा पंजाब में एजेंटों के खिलाफ एफआईआर होती है, कुछ नहीं बिगड़ता उनका। देख लो स्थिति आपके सामने है, ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, वो आप लोगों से शेयर की। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।